हाँ भाई, स्कूल फेयरवेल के लिए रेडी? आज अच्छे से एंजॉय करके आना, आखिरी बार है स्कूल के दोस्तों के साथ, इसके बाद पता नहीं कब मिलो। आखिरी बार? अरे यार भैया, आप नहीं जानते मेरे स्कूल फ्रेंड्स के ग्रुप को, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम। हम लोग भी कुछ ऐसी बातें करते थे। हम लोग का भी स्कूल का ग्रुप था, 10-12 लोगों का, फेयरवेल का दिन था। हम लोगों ने भी यही डिसाइड किया था कि सब टच में रहेंगे, मिलते रहेंगे। हमारे साथ में तो एक लड़की थी जो शहर छोड़ के जाने वाली थी, उसने भी यही बात कही थी कि मिलते रहेंगे। हुआ क्या, धीरे धीरे सब स्कूल से कॉलेज में आ गए, कॉलेज में नए दोस्त बन गए, और स्कूल वाले दोस्तों की बातें बचकानी लगने लगी। धीरे धीरे सब अपने जॉब की टेंशन में पढ़ाई में लग गए, और फिर टच छूटता गया। जहाँ पहले 10-12 लोग टच में थे, वहीं उसमें से अब सिर्फ एक या दो रह गए। और जो लड़की कहती थी कि इन सब टच में रहेंगे, जो शहर छोड़ के गई थी, वो जब अब शहर में आती है तो मिलती तक नहीं। वक्त के साथ रिश्ते भी छूट ही जाते हैं, इसलिए जब तक वो इंसान आपकी ज़िंदगी में है, जितने अच्छे रिश्ते बना सकते हो बना लेना, क्योंकि क्या पता कल साथ में हो ना हो। याद आएंगे ये पल।